अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता फूड एंड मेहंदी। आज हम बनाने वाले हैं 3 टाइप्स पराठा, आलू पराठा, बनाना पराठा और एग पराठा। चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम बनाएंगे एग पराठा। उसके लिए हम एक एग लेंगे, उसमें कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से फेंट देंगे। उसके बाद हम एक पेड़ा लेंगे, उसको अच्छी तरह से तेल अप्लाई करेंगे। इसमें तेल अच्छी तरह से लगाएं ताकि उसकी परत खुल जाए। थोड़ा सा मोटा बेलेंगे रोटी को, बहुत पतला नहीं बेलेंगे। अच्छी तरह से बेलकर उसको सेकने के लिए तवे पर डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक साइड होने के बाद उसको टर्न कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी रोटी फूलना शुरू हो गई है। थोड़ा सा तेल डालेंगे, यहाँ पर देखिए परत खुल गई है। अब इसमें हम अंडा डाल देंगे। इस तरह से हमें अंडा डाल देना है और उसको बंद कर देना है। अब आहिस्ता से पलट देंगे और यहाँ पर देखिए किस तरह से रोटी और अंडा बन गया है। मैं यहाँ पर कट करके दिखा रही हूँ आपको। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे एग पराठा। नाश्ते में ये ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर देखिए एक अच्छी तरह से पक चुका है। सॉस के साथ या चटनी के साथ आप खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे आलू पराठा। मैंने आलू पहले से बॉईल कर लिया है, एक आलू। इसमें नमक डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले रोटी को पतला बेल लेंगे, उसके बाद हम आलू उसमें रख के चौड़ा कर लेंगे, अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। उसके बाद हम साइड के कोने इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि आलू बाहर ना आए। दोबारा नहीं बेलेंगे क्योंकि हम पहले से ही पतला बेल चुके हैं रोटी को। इस तरह से हाथ से दबाएं और स्क्वायर शेप की रोटी आपकी बनके तैयार है, आलू पराठा। अच्छी तरह से अब हम तेल लगाकर सेक लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आहिस्ता से पलट लें, उसके बाद तेल डालें। अच्छे से तेल या घी आपके बच्चे जो पसंद करते हैं वो डालकर अच्छी तरह से सेक लें। नाइस। इस तरह से अगर आप आलू पराठा बनाएंगे तो आलू बाहर नहीं आएगा और ना ही आपके यहाँ रोटी फटेगी। यहाँ पर देखिए बहुत ही स्पाइसी और क्रिस्पी आलू पराठा बनके तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे बनाना पराठा। उसके लिए मैंने एक मौस बारीक कट कर लिया है और शक्कर ली है। सबसे पहले रोटी बेल लेंगे, उसमें इस तरह से मौस के कटे हुए पीसेस इस तरह से जमा लेंगे और उसमें हम शुगर ऐड करेंगे। इस तरह से जमा लें मौस और उसके ऊपर हम शक्कर स्प्रिंकल करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपको जितना पसंद है मीठा उतनी शक्कर डाल सकते हैं। डालने के बाद साइड के कोने फोल्ड कर लें इस तरह से। अच्छी तरह से फोल्ड करके थोड़ा सा भी गैप नहीं बचना चाहिए। आराम से फोल्ड करें और आहिस्ता से उंगलियों से प्रेस करें और इसको भी अच्छी तरह से सेक लें तेल लगाकर। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से आलू बनाना पराठा बन रहा है। बनाना पराठा को आराम से सेकना होगा क्योंकि उसमें से बनाना निकल सकता है। आराम से सेकिए। यहाँ पर देखिए बन के तैयार हो चुका है। मैं कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बना है। आपको और टेस्ट के लिए इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।